मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको साथ साथ। अच्छा, तो ये जो थोड़ा सा हम इसमें टच करेंगे स्टेटिस्टिक्स का, अच्छा क्या है मेनली इसके अंदर जो चीज़ें देखी जाएंगी वो हैं कि हम रैंडम वेरिएबल को टच करेंगे, स्टेटिस्टिक्स को टच करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मैटलैब बेस्ड एक्सरसाइजेस भी हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो उनको भी यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। ओके, सो इफ आई मूव डाउन, अब आ गया एग्जांपल एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर एक एक पॉइंट पे आके हम रैंडम वेरिएबल से निकल के रैंडम प्रोसेस में चले जाते हैं। सो दैट नोशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रैंडम वेरिएबल से रैंडम प्रोसेस में कैसे जाते हो और उसको कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, सो कीप इन माइंड कि देयर विल बी अ टाइम, तो हम एंड पे टुवर्ड्स द सिक्स्थ एंड सेवन्थ चैप्टर वी विल मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम रैंडम वेरिएबल से रैंडम प्रोसेस में जाएंगे। उससे पहले एक और ट्रांजिशन आएगी शुरू शुरू में जिसमें आप रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम वेरिएबल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको प्रॉबली आपके रास्ते में आएंगी जब आप ये कोर्स देखोगे। उसमें एक है कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से रैंडम वेरिएबल के में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसके बाद रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेसेस कब बन जाते हैं। तो ये एक पूरी ट्रांजिशन है, मेच्योरिटी की है कि पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है वो जाएगा आपके रैंडम वेरिएबल में और रैंडम वेरिएबल चला जाएगा रैंडम प्रोसेस में। ओके, सो दिस इज द होल कोर्स। अच्छा, मेनली मैंने आपको जैसे बता दिया कोर्स में, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपका कोर्स इस तरह आपका ट्रैवल करेगा। इसमें पहले प्रोबेबिलिटी के मॉडल देखेंगे, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होंगे, फिर कंटिन्यूअस टाइम रैंडम वेरिएबल होंगे, फिर पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होंगे कि एक की जगह दो रैंडम वेरिएबल अगर आ गए पेयर्स बन गए, फिर पेयर से ज़्यादा दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल बन जाएंगे तो बन जाएगा वेक्टर रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद फिर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। और फिर हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो हम स्टेटिस्टिक्स की तरफ निकल जाएं और या फिर हम रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट कर दें रैंडम प्रोसेसेस में। तो हम दोनों को टच करेंगे थोड़ा सा ताकि वो जो पूरा कंसेप्ट है आपके ध्यान में आ सके। जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जी, कोई क्वेश्चन है आपके ध्यान में तो कर सकते हैं आप लोग। सो इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन वी कैन मूव, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम चैप्टर वन स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जी, कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो? यस नो? जी, एनी क्वेश्चन? नो? अच्छा, तो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर वन, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट चले जाएंगे इसी चैप्टर में, यू कैन रीड दैट, बट आई वुड लाइक टू टेक यू डाउन के एक्चुअली मॉडल क्या होता है। तो आप अगर इस पैराग्राफ को देखें तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी। ए मॉडल इज एन अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल सिचुएशन। अब यहाँ पे स्टॉप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिजिकली कोई चीज हो गई है, फिजिकली हुई है कोई चीज, बादल गिरजे हैं, बिजली गिरी है, मौसम तब्दील हो गए हैं, कोई फिजिकल चीज हुई है, फिजिकल चीज हुई है, और उस फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक मॉडल बनाया। अच्छा, और मॉडल क्या कर रहा है? मॉडल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। उस फिजिकल सिचुएशन को आप देख रहे थे तो आपने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ देखा आपने, मतलब फिजिकली कुछ हुआ, और उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक मॉडल बना लिया। आपने एक मॉडल बनाया जिसने जो आपके पास फिजिकल कोई फिनोमिना हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, उससे जो आपको ऑब्जर्वेशन आउटपुट निकली, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसके आउटपुट को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए आपने एक मॉडल डिवेलप किया। अब ये मॉडल एक हमेशा क्या होगी, अप्रोक्सीमेशन होती है, यूजिंग ए सेट ऑफ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल रूल्स। कुछ रूल्स अप्लाई करके आपने मॉडल बना लिया कि ऐसा क्यों हुआ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिजिकल सिचुएशन क्रिएट हुई और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने मॉडल बनाया, और वो मॉडल आपने बनाया सिंपल और कोई पहले से जो आपको अंडरस्टैंडेबल रूल्स थे उनकी मदद से। अच्छा, अब जब आपके पास वो मॉडल बन गया एक बार,
then these rules can be used to predict the outcome of experiments involving the given physical situation. अब आप उसकी basis पे जब आपके पास model बन गया, अब ऐसी उस particular situation में अगर input तब्दील भी हो जाए तो आपको उस physical situation का दोबारा से होना मकसूद नहीं है. अब आप उस model की मदद से कोई चेंज इनपुट के लिए आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इनपुट चेंज भी हो जाए तो आपके मॉडल के थ्रू आप कह सकते हैं कि इस बार फिर ऑब्जर्वेशन ऐसी आएगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडल का कि आपने प्रिडिक्शन कर सकते हैं. आपको समझ आ रही है ये बात? एनीबॉडी? हेलो हेलो. यस सर, समझ आ रही है. प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन को याद रखना है कि आप मॉडल किस लिए होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर में क्या होगा. आपने एक सिचुएशन थी, फिजिकल सिचुएशन, उसको मॉडल बना लिया उसका. जब मॉडल बन गया अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इनपुट चेंज भी हो जाएगी तो उस चेंज इनपुट का क्या इफेक्ट आएगा और उस पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन से क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगी. ये आपने प्रिडिक्शन कर दी. और मॉडल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रिडिक्शन करने के लिए, prediction करने के लिए. ठीक है. A useful model explains all relevant aspects of a given situation. Such model can be used instead of experiments. आपको physical experiments करने की जरूरत नहीं है. देखना कितना बड़ा उसने ये बात कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी कि अब आपको physically experiment करने की जरूरत नहीं है. आपने model बना लिया है, अब model ही आपका answer देगा सारी चीजों को. It will provide answer to all the questions. Model therefore allow the engineer to avoid the cost of experimentation. Model की वजह से क्या हो जाता है कि उसको experimentation की cost बच जाती है, labor, equipment and time. ये तीनों चीजें उसको बच जाती हैं. वो model बना के experiment किए बगैर prediction कर सकता है in a given situation. ठीक है? Okay. अब आ जाते हैं कि मॉडल का एक और लेवल है, उसका नाम है मैथमेटिकल मॉडल. तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स, अब इसको अगर हम हाईलाइट करें, आर यूज्ड टू मेजर द सिस्टम्स वेयर द ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स. अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन मेजरेबल है, एक होती है ना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है कि मौसम बड़ा अच्छा है, बिजली जोर से कड़की. लेकिन अगर आप मौसम के अच्छे होने को मेजर कर सकते हो, 30% नमी है इसके अंदर, ह्यूमिडिटी है, 10% इसके अंदर रेन ड्रॉप्स हैं, और अगर इस तरह के कोई नंबर आ जाए 10%, 20%, तो वो फिनोमिना या वो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाती है? मेजरेबल हो जाती है. अगर कोई ऑब्जर्वेशन मेजरेबल है तो ऐसे फिजिकल फिनोमिना जिसकी आउटपुट मेजरेबल है उसका मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है. तो मैथमेटिकल मॉडल हर उस चीज का बन सकता है जिसकी आउटपुट मेजरेबल है, नंबर्स हैं, मेजर्ड है, सब्जेक्टिव नहीं है, मेजरेबल आउटपुट आ रही है. ठीक है. So a mathematical model consists of a set of assumptions about how a system or physical process works. हम कुछ assumption जारी बातें उसमें रखते हैं और वो assumption को हम किससे represent करते हैं? Mathematical formulas से represent करते हैं. देखना, mathematical relation involve करते हैं उसमें. The condition under which an experiment involving a system is carried out determines the given in the math. आपको देखा ना, आपको अक्सर दिया होता है given this. ये given का word जो आता है मैथमेटिक्स में, जब भी आप कोई चीज कर रहे होते हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें कुछ चीजें गिवन होती हैं. उस प्रॉब्लम के अंदर, उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कोई चीजें गिवन होगी. तो जब आपके पास गिवन का वर्ड आता है, इसका मतलब है कि ये वो पर्टिकुलर अजम्पशंस हैं जिसके अंडर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है. मतलब एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट अंडर दोस कंडीशंस. वो कंडीशंस जो है वो गिवन के फॉर्म में दी होती हैं. तो जब वो गिवन दी होती हैं तो मैथमेटिकल मॉडल में वो जो गिवन चीजें दी होती हैं ना, उनकी मैथमेटिकल आपको फॉर्मूले दिए होते हैं कि F is equal to MA है, ठीक है, S is equal to VIT plus half GT square. तो ये जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये आपकी गिवन है, कंडीशन है अंडर विच ये काम हो रहा है. और फिर जो सोल्यूशन होता है वो आपको क्या करेगा? वो आपको हमेशा प्रेडिक्शन देगा. प्रेडिक्ट क्या करेगा? वो मेजरमेंट को प्रेडिक्ट करेगा. वो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा
कि अगर ऐसा हो गया तो इस बार मौसम में 30% ह्यूमिडिटी होगी। तो ये सारी कुछ जो है आपका, ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है। तो मॉडल में और मैथमेटिकल मॉडल में फर्क है, आपको क्लियर हो रहा है? मॉडल में और मैथमेटिकल मॉडल में क्या फर्क है? मैथमेटिकल मॉडल में जितने भी आपकी आउटपुट्स होती हैं, जिनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं? न्यूमेरिकल होती हैं, नंबर्स होंगे, 10%, 30%, 40%, मेजरेबल। समझ आ रही है आपको? एवरीबॉडी? जी सर। यस सर, आ रही है। गुड। अच्छा, अब आप अगर मजीद इसमें मूव करें तो हम आ जाते हैं, हम बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो ज्यादातर हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट एज सच नहीं परफॉर्म करते, रियल फिजिकल एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ज्यादातर वो करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं? मॉडल पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ वो थोड़ा सा फर्क आ गया, इंजीनियर्स में और साइंटिस्ट में क्या फर्क है। तो याद रखना कि इंजीनियर ज्यादातर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी लाइकिंग होती है मैथमेटिकल मॉडल को इस्तेमाल करना, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्क आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, ये पूरा मॉडल आपको दिखाया हुआ, ये फ्लो डायग्राम है। अच्छा, सबसे पहले आप कोई फॉर्मुलेट करते हो हाइपोथेसिस, कोई आइडिया आपके जहन में आता है कि ये इस वजह से हुआ होगा, ये जो आउटपुट आई है ना फिजिकल सिस्टम में कुछ हुआ, आप एक अपनी वो क्या कहते हैं राय देते हैं कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ये आउटपुट ऐसी आई है। तो अब ये क्या है? हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी राय या आपने जो एक्सप्लेन किया मॉडल को, वो टेस्ट नहीं किया गया, इट हैजंट बीन टेस्टेड, इट हैजंट बीन वैलिडेटेड, वैलिडेट नहीं किया, आपने कोई राय दे दी। अब वो राय ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट, सेकंड स्टेप क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट आप बनाएंगे, उस पर्टिकुलर जो आपने ओपिनियन दी हुई है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट बनाना है। अब डिपेंड करता है कि आप साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं। अगर साइंटिस्ट हैं तो आप फिजिकल प्रोसेस में चले जाएंगे, और अगर आप इंजीनियर हैं तो आप मॉडल बनाएंगे उसका। बात समझ आ रही है आपको? दैट इज टू राउट्स यू टेक। अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप इधर चले जाओगे, फिजिकली उसका एक्सपेरिमेंट बनाओगे, और उससे क्या निकलेंगी? फिजिकल एक्सपेरिमेंट अगर आप करोगे उस सिस्टम का तो ऑब्जर्वेशन आएगी, और अगर आपका मॉडल होगा तो वहां से क्या निकलेगा? प्रिडिक्शन। देखे ना, आउटपुट में फर्क है, आउटपुट में फर्क है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मॉडल प्रिडिक्शन की, एक्चुअल फिजिकल सिस्टम ने क्या दिया? ऑब्जर्वेशन दिया। अब आप चेक करोगे कि क्या प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है sufficiently, sufficient agreement. अब ये sufficient agreement भी आपने खुद एक threshold रखना है कि अगर वो 70% match कर गई prediction और actual observation, तो मैं अपने model को अच्छा declare कर दूंगा। लेकिन अगर 70% ना हुआ तो मैं फिर model को redesign करूंगा। तो वो भी आपने अपना sufficient का criteria रखना है यहाँ पे। तो जब आप sufficient का criteria रखोगे तो अगर no हो गया, You will go back और आप अपना मॉडल मॉडिफाई करोगे। उस वक्त तक मॉडिफाई करोगे जब तक कि आप उस थ्रेशोल्ड को, जो आपने एग्रीमेंट के लिए एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, उस थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस नहीं कर जाते हो, उस वक्त तक आप अपने मॉडल को मॉडिफाई करते रहोगे। अब लेट्स से कि आपका सफिशिएंट का क्राइटेरिया मेट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यू विल मूव डाउन। जैसे मूव डाउन हो गए, अब आप क्या सोचोगे? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेटेड। क्या आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो सारे के सारे, उसके सारे एस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट हो गए हैं? आपका मॉडल उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है? अगर तो यस है तो इसका मतलब स्टॉप हो जाओगे, अगर नहीं है, नो है, तो आप दोबारा क्या करोगे? किसको चेंज करोगे? आप मॉडल को चेंज नहीं करोगे, अब आप अपने हाइपोथेसिस को चेंज करोगे। अपने हाइपोथेसिस को, जो शुरू का आइडिया था, अनटेस्टेड आइडिया था, उसको चेंज करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अब आप उसको चेंज करोगे ताकि वो बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखे, और फिर ये प्रोसेस ऊपर से नीचे तक आएगा। ये प्रोसेस आपको समझ आया अभी? एवरीबॉडी? हेलो। यस सर, आ रहा है जी। यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, FIP में।
ये एफआईपी का मॉडल है, ये एग्जैक्टली एफआईपी का मॉडल है। आपका एफआईपी इस तरह का होना चाहिए कि आपने कोई राय दी कि अगर मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो सोलर एनर्जी इतनी पैदा होगी, 20% ज्यादा पैदा होगी, 20% मजीद इफिशियंट हो जाएगा। अब आप सारा ये एक्सपेरिमेंट करोगे, मॉडल बनाओगे, फिजिकल दोनों को चेक करोगे, उस मॉडल की बेस पे फिर आप मॉडल प्रेजेंट करोगे अपना, और फिर उस मॉडल के थ्रू हम उससे और नतायज निकालेंगे। तो ये जो आप देख रही हो ये सारा एफआईपी, हर एफआईपी इस तरह का होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एवरीबॉडी जी सर। ये एफआईपी है, ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ही है, ये जो मैं आपको दिखाया अभी ऐसा होता है, इसे कहते हैं मॉडलिंग प्रोसेस, फिगर 1.1, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द प्रिडिक्शन ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल शुड बी ट्रीटेड एज हाइपोथेटिकल अंटिल द मॉडल हैज बीन वैलिडेटेड थ्रू कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। अभी आपको बात समझ आई? जितने भी आप क्लेम कर रहे हैं अपने एफआईपी में वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल होंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है उस वक्त तक जब तक के वो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से जो डाटा आ रहा है उसके साथ मैच ना कर जाए। जो मॉडल से प्रेडिक्शन निकल रही हैं और आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने से जो डाटा आउटपुट पे आ रहा है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और जो आपके मॉडल से चीजें निकल रही हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रेडिक्शन है। तो जब प्रेडिक्शन उस डाटा के साथ जो आउटपुट पे आ रहा है ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं कर जाती अंडर सम सुटेबल क्राइटेरिया, उस वक्त तक आप का जो हाइपोथेसिस है या मॉडल है वो कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? हेलो, सो गए? जी सर आ गए। अच्छा, आप दो बंदों के जवाब आ रहे हैं, बाकी ना शानजे है, ना तंजीला है, ना उसामा है, ना यूसुफ जई साहब हैं, ना जैनब है, ये कहाँ है ये लोग? जी सर इधर माइक शेजिम बोल रहे हैं, आ रही है समझ? या माइक को सर आ रही है समझ? सो जाते हैं दोबारा, हमायूं साहब सो जाते हैं, उज़ैर साहब, मज़र इकबाल साहब? नहीं नहीं सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ रहो, ठीक है? ओके। तो इसमें जो है बेसिकली ये आपका मॉडल और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो मॉडल उस वक्त तक आपका अच्छा मॉडल नहीं है जब तक के एक्सपेरिमेंट उसको वैलिडेट ना कर दे। इसका मतलब है कि मॉडल से जो चीजें निकल रही हैं और जो आपके एक्चुअल फिजिकल एक्सपेरिमेंट से चीजें निकल रही हैं जब तक वो मैच ना हो जाएं उस वक्त तक आप उस मॉडल को कामयाब मॉडल नहीं कह सकते। ओके, अब दो किस्म के मॉडल होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। अब इसका मतलब है कि मैथमेटिकल मॉडल की भी फर्दर बाइफर्केशन हो गई है। देखे ना, ऊपर मॉडल था, फिर वो मॉडल कन्वर्ट हुआ मैथमेटिकल मॉडल में, मैथमेटिकल मॉडल के अब दो पार्ट्स हो गए, दो ब्रांचेस हो गई हैं। एक ब्रांच का नाम है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अच्छा, अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है? इन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल द कंडीशन अंडर विच एन एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट डिटरमिन द एग्जैक्ट आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जब तक उसकी एजम्पशन या कंडीशंस आप चेंज नहीं करते, वो जो मैंने बताया था इंग्लिश का वर्ड गिवन जो होता है, अगर आप जब तक गिवन वाली चीजें चेंज नहीं करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को, चाहे जितनी बार भी रिपीट कर लें, आपकी आउटकम सेम रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी। यस सर। तो किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि एक बेवकूफ आदमी की निशानी क्या है, तो उसने भी यही बताया था। उसने कहा था कि वो आदमी जो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करता, सेम कंडीशन में दोबारा एक्सपेरिमेंट को करता है और इस बार एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आउटकम क्या आएगी, मुख्तलिफ आएगी। तो जब तक कंडीशन सेम है आउटपुट को तो सेम आना चाहिए। अब बात समझ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। इसीलिए मेरे पास जब बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर अगले सेमेस्टर में मेरा ग्रेड बहुत अच्छा आएगा। अब आप समझ रहे हैं, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आए और मुझे कहे कि मेरा अगले सेमेस्टर में सर ग्रेड बहुत अच्छा आएगा, तो मैं उससे पूछता हूं कि ग्रेड का आना तो आउटपुट हो गई, तो बीच में जो सेमेस्टर में आप काम करते हो वो तो
आपका मॉडल हो गया। आप बताएं आपकी गिवन कंडीशन चेंज हो गई है, कंडीशन कौन सी चेंज हुई है? वो कहते हैं नहीं, कंडीशन सेम है, सेम घर में रहता हूँ, सेम माँ बाप के साथ रहता हूँ, उतने आवर्स में स्टडी करूंगा, वही किताब होगी, वही टीचर होगा, लेकिन ग्रेड डिफरेंट आएगा। फिर मैं उसे क्या कहूँ, मुझे आइंस्टाइन याद आ जाते हैं। कंडीशन सेम है तो एक्सपेरिमेंट का आउटपुट भी सेम आएगा। मैं उसे कहता हूँ कोई कंडीशन तो चेंज करो ना, या तो स्टडी आवर्स तेज कर लो, ज्यादा कर लो, या फिर आप जो है ना बताओ कि किताब चेंज हो गई है, इस दफा बुक चेंज की, टेक्स्ट बुक डिफरेंट आ गई, या जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो चेंज हो गया है, या आपका घर तब्दील हो गया है, या घर में लोड शेडिंग कम होगी, या आपका इंटरनेट ठीक, कोई कंडीशन तो है जिसने चेंज होना है ताकि मैं आपके क्लेम को वैलिडेट कर सकूं कि हाँ वाकई इस दफा आपकी कंडीशन चेंज है, हो सकता है कि आपके ग्रेड अच्छे आ जाएं। अगर ये सारी चीजें सेम है पिछले सेमेस्टर वाली, तो कैसे हो सकता है कि इस बार आपका ग्रेड चेंज आ जाए? अब बात समझ आ रही है आपको? हेलो, यस सर, जी जी सर। तो अगर कंडीशन सेम है किसी बच्चे की और वो क्लेम करता है कि इस बार कोई चमत्कार होगा और कोई जादुई काम होगा, कोई मिस्टिकल काम हो जाएगा, मेरे ग्रेड अच्छे आ जाएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, जो मुझे दे रहा है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन मुझे दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उसे मैं कहूंगा कि तुम मेरे साथ प्रोबेबिलिटी का कोर्स ले लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि उसको बेसिक चीज ही नहीं समझ आ रही, साइंटिफिक रीजनिंग ही समझ नहीं आ रही। साइंटिफिक रीजनिंग कहती है कि अपनी कंडीशन चेंज करो अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट चेंज करना है, अंडर द सेम कंडीशन आउटपुट सेम आएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो yes, इसको sir. इस किस्म के मॉडल को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। तो जब मैं उस बच्चे से ये बात करता हूं ना कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ चाहे वी इक्वल टू आई आर है, ठीक है, ये ओहम्स लॉ है आपका, ये करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब चाहे आप एक्सपेरिमेंट जितनी बार रिपीट करें, आज से 100 साल बाद भी रिपीट करेंगे, 500 साल बाद भी रिपीट करेंगे, यहां करें, चांद पे करें, जहां करें, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपने वैल्यूज चेंज नहीं की, तो करंट जो उधर फ्लो हो रही है उस सर्किट के अंदर वो भी सेम रहेगी। तो ये क्या है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। तो जब मैं उस बच्चे को ये बताता हूं कि आपकी कंडीशन चेंज नहीं होंगी तो आपका ग्रेड भी चेंज नहीं होगा, तो मुझे बच्चा कहता है कि सर कुछ काम अल्लाह ताला के भी होते हैं। तो जब वो अल्लाह ताला का नाम लेता है तो फिर मेरा मॉडल चेंज हो गया। अब मेरा मॉडल क्या बन गया है? अब मेरा बन गया है एक और मॉडल होता है जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो जब हम ऐसे कोई खास किस्म के जिसे कहते हैं आउटपुट्स पे चले जाते हैं, हम कहते हैं कि कंडीशन भी सेम है फिर भी मेरी आउटपुट तब्दील आएगी क्योंकि इस दफा मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआ शामिल है। तो जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो आप कहाँ चले गए हो? आप डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से निकल आए हो, अब आप प्रोबेबिलिटी मॉडल में चले गए हो। तो ये जो अल्फाज हैं इन्होंने आपका मॉडल चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मैथमेटिकल मॉडल की दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच का नाम है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, दूसरी ब्रांच का नाम है प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो जैसे ही आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, तो वो अल्फाज आपको ले जाएंगे कहां ले जाएंगे? आपको प्रोबेबिलिटी मॉडल में ले जाएंगे। आप कहेंगे कंडीशन तो सेम है, एक्सपेरिमेंट भी सेम है, लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआ है, तो कहां चले जाएंगे आप? प्रोबेबिलिटी मॉडल में चले जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी मॉडल कहता है कि बहुत सारे रियल लाइफ में सिस्टम ऐसे हैं जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सेम कंडीशन होने के बावजूद उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है वो मुख्तलिफ आने का चांस है, वो सेम नहीं आते, वो सेम नहीं आते। कंडीशन सेम है, एक्सपेरिमेंट सेम है, लेकिन उसके बावजूद आउटपुट क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल है, आप गेस नहीं कर सकते क्या आउटपुट आएगी। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स को जिसमें आउटपुट
सेम कंडीशंस होने के बावजूद उस एक्सपेरिमेंट को जब मैं रिपीट करता हूं तो मैं फिर भी एग्जैक्ट आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको बात समझ आई एवरीबॉडी? यस सर, समझ आ गई। रैंडम, यस सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कांसेप्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट का कांसेप्ट आपको समझ आए, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट के गिर्द घूमती है। सो इट्स ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस टाइनी कांसेप्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ये वो एक्सपेरिमेंट है, सेम कंडीशंस होने के बावजूद जब उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है तो उसकी आउटपुट पहले जैसे आने के इम्कानात नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज समझ आए कि उसकी एक्सपेरिमेंट के सेम होने के बावजूद उसमें आउटपुट के सेम आने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो लेट अस लुक इनटू कि हमने कहा था वी इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ जो है वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 3 आइडेंटिकल बॉल्स लेबल्ड 0, 1 एंड 2। किसी जार के अंदर उन्होंने 3 बॉल्स डाल दिए और उसके ऊपर लेबल लगा लिया। पहली बॉल के ऊपर लेबल लगाया है 0 का, दूसरी बॉल के ऊपर लेबल लगाया है 1 का, तीसरी बॉल के ऊपर लेबल लगाया है 2 का। 3 डिफरेंट लेबल्ड बॉल्स हैं और वो एक जार में डाल दिए जो जार ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप नहीं देख सकते, सिर्फ आप हाथ डाल के उसमें से एक बॉल उठा सकते हो लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि कौन सी बॉल उठा रहे हो। अब क्या हुआ? The urn is first shaken to randomize the position of ball and then a ball is selected। आपने randomness क्रिएट करने के लिए क्या किया कि उस urn को हिलाया, जोर जोर से हिलाया ताकि उनकी पोजीशन सब बॉल्स की मिक्स हो जाए, आप ये जान ही ना सकें कि कौन सी बॉल किस जगह पड़ी हुई है। उसके बाद फिर आपने हाथ डाल के बगैर देखे हुए मुंह को उधर फेर लिया और आपने एक बॉल उठाई। आप मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रही है सारी एवरीबॉडी? जी सर। यस सर। तो ये, यस सर, आ रही। हाँ, अब अगर आप जब बॉल उठाएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि उस बॉल के ऊपर लेबल क्या होगा? क्या आप वो वाली बॉल उठाएंगे जिस पे लेबल 0 होगा? क्या आप वो वाली बॉल उठाएंगे जिसके ऊपर लेबल 1 होगा? क्या वो वाली बॉल उठाएंगे जिसका लेबल 2 होगा? कौन सी बॉल उठाएंगे आप, क्या आप बता सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल होगा। हाँ, नहीं बता सकते ना, इस तीनों में से कोई एक बॉल उठेगी, या 0 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको दूसरी बार रिपीट करें इसी एक्सपेरिमेंट को, फिर तीनों बॉल डाल दें, शेक करें और फिर एक बॉल उठाएं, क्या आप बता सकते हैं कि पहली बार जो आपकी बॉल उठी थी, लेट्स से वो बॉल लेबल 1 वाली आपने सेलेक्ट की थी, इस बार भी लेबल 1 वाली उठेगी? नहीं, अभी भी तीनों बॉल का इक्वल चांस है, कोई भी बॉल आ सकती है, कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है। इन अदर वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेम कंडीशंस हैं, 3 बॉलें हैं, सेम अर्न है, सेम जार है, सेम आपका हाथ है, उसके बावजूद जब आप सिलेक्शन करते हो तो आउटकम जो है वो डिफरेंट आता है, सेम या डिफरेंट, लेकिन आप बता नहीं सकते, गेस नहीं कर सकते, उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप गेस नहीं कर सकते कि इस बार कौन सी बॉल बाहर आएगी। So that basically shows कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब जब रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसका मॉडल जो बनेगा, मैथमेटिकल मॉडल बनेगा, वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नहीं होगा, वो कौन सा मॉडल होगा? प्रोबेबिलिटी मॉडल। कि कंडीशन सेम होने के बावजूद आपको ये कहना पड़ता है कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की मर्जी, क्या आउटपुट आती है अल्लाह की मर्जी। तो जब आप उस
जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रोबेबिलिटी का मॉडल बन जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसका, जब उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आप मॉडल बनाओगे वो मॉडल कहलाएगा प्रोबेबिलिटी मॉडल। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? यस सर। इसमें अब आप थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी मॉडल के अंदर जाके उसको हम मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, उसमें आ जाता है आपके पास, अब जब प्रोबेबिलिटी का मॉडल हो या रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, सो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज ए नंबर फ्रॉम द सेट 0, 1, 2। आप देख रहे हैं एक सेट क्रिएट हो गया, सेट है, सेट मैथमेटिक्स में एक सेट होता है, उसके अंदर सेट में क्या पड़े हुए हैं, कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 0, 1, 2। तो आप जब भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, ये जिसमें 3 बॉल्स वाला है, इसमें हमेशा आपके पास एक ही आउटकम आएगी, ठीक है? लेकिन वो आउटकम किस सेट को बिलोंग करेगी, इस सेट एस को बिलोंग करेगी, इसी का कोई मेंबर होगा, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो ये जो सेट है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स पड़ी होती हैं, उस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का एक सैंपल स्पेस होती है। तो जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसकी हमेशा उसके साथ क्या लिंक करती है, कोई क्या क्या चीज उसके साथ एसोसिएटेड होती है, सैंपल स्पेस। अच्छा, अब आप, हमने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को जो अर्न वाला है जिसमें से हम बाल को शेक करते हैं, एक बाल निकालते हैं, बाल को दोबारा अंदर डालते हैं, फिर शेक करते हैं, फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, रिपीटिशन को हम कहते हैं ट्रायल्स, रिपीटिशन को कहते हैं ट्रायल्स, अगर हम इसके 100 ट्रायल्स करें, इसी एक्सपेरिमेंट को 100 बार रिपीट करें और उसका एक ग्राफ बनाएं, तो वो क्या होगा, आप जरा उस ग्राफ को देखिए, ये आ गया ग्राफ आपके पास, ये आप देख रहे हैं फिगर 1.2। एवरीबॉडी, ये 100 टाइम्स का जो आउटकम आया है उसको उन्होंने ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है ट्रायल नंबर, ये ट्रायल्स हैं 10, 11, 12, 20, 100 ट्रायल्स किए हैं, 100 ट्रायल्स किए हैं, और आपके वाई एक्सिस पे जो भी लेबल आया है उसको उन्होंने उसके मुताबिक वहां डॉट लगा दिया और उसको ज्वाइन किया है स्ट्रेट लाइंस के साथ। आप देख सकते हो इसको। एवरीबॉडी आर यू ओके? यस सर। आपको ये ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ, ये बड़े पाने ग्राफ समझ में आया? जी हेलो। यस सर आ गए। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, क्यों ग्राफ कैसे बना होगा जी, आप इस ग्राफ को खुद बना सकते हो ना? यस सर। ये ग्राफ जो है बेसिकली वो जो एक्सपेरिमेंट था, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने एक जार के अंदर 3 बॉल्स हैं और हर बॉल के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है और उस जार को शेक किया जाता है टू रैंडमाइज इट और फिर उसमें से वी पिक 1 बॉल आउट ऑफ इट और उस बॉल के ऊपर जो लेबल होता है वो उस ट्रायल के आगे उधर डॉट लगा देते हैं, फिर ट्रायल नंबर 2 पे जाते हैं, उधर देखते हैं आउटपुट क्या आई है, उसके अगेंस्ट हमें डॉट लगा देते हैं, फिर हम ट्रायल 3 पे जाते हैं, उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आती है उसका एक डॉट लगा लेते हैं। तो करते फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 पे हूँ इस वक्त, तो मैं देखूंगा कि 10 के ऊपर ये देखे ना 0 बॉल आई है, इसके ऊपर 11 के ऊपर फिर जो है 2 आया है, फिर 12 के ऊपर 2 आया है, फिर 13 के ऊपर 1 आया है, 14 के ऊपर फिर 0 आया। अब आपको समझ आ रही है 14 के ऊपर 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 14th टाइम जब वो ट्रायल किया गया तो 14th टाइम उसमें से जो बॉल पिक हुई थी वो क्या हुई थी, 0 बॉल पिक हुई थी। तो हर बॉल हम बॉल पिक कर रहे हैं, उसका लेबल देख रहे हैं और ग्राफ के अंदर एक डॉट लगा रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। ये ग्राफ कैसे उसने बनाया है, यह बात आपको समझ आई है? यस सर। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आया? जी सर आगे। अच्छा, अब इस ग्राफ को देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैंने 100 ट्रायल्स कर लिए हैं, मैं 101 ट्रायल करता हूं, 101 ट्रायल जब करता हूं तो उस वक्त क्या, कौन सी बॉल सेलेक्ट होगी, वो बॉल जिसका लेबल 0 है, वो बॉल जिसका लेबल 1 है, या वो वाली बॉल जिसका लेबल 2 है, कौन सी बॉल आएगी बाहर? अभी हो सकती है सर, अभी भी कोई भी हो सकती है, अभी भी कोई। इसका मतलब है कि अभी तक
हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे। तो अगर हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे तो हम तो बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर हैं। हमारा मॉडल डेवलप नहीं हुआ क्योंकि मॉडल का बुनियादी मकसद क्या है? प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर बताना। अगर वो हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे तो इसका मतलब है कि हमने कुछ नहीं सीखा। 100 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, हम मॉडल ही नहीं बना पा रहे। 100 मरतबा रिपीट करने के बावजूद भी हमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और जब पैटर्न नहीं बन रहा तो हमारा मॉडल नहीं बन रहा, और जब मॉडल नहीं बन रहा तो हमारी प्रिडिक्शन नहीं हो रही। सो एवरीथिंग इज जेपर्डी में आ गई है, हर चीज गलत हो गई है। बट वेट ए सेकेंड, इसमें पैटर्न मौजूद है। ये जो आप ग्राफ है इसको देखें, इसमें एक पैटर्न मौजूद है और मैं आपको अभी बताता हूँ पैटर्न क्या है। सो लेट्स मूव टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये कंसेप्ट है कि जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करोगे और उसका कोई प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाओगे, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो क्या है? स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी। आपको समझ आ रही है क्या है स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी? है एवरीबॉडी विद मी? आप मेरे साथ हो? सही, ग्राफ तक थे आगे, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एक दफा रिपीट कर दें थोड़ा सा। अब इस ग्राफ में, इस ग्राफ के अंदर अगर आपने कोई पैटर्न देखना है, ठीक है, तो पैटर्न देखने के लिए कि इसके अंदर कोई मॉडल डेवलप कर सकें, हमें क्या चीज चाहिए? वी नीड दिस कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, वी नीड दिस वन। ओके सर। अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी मौजूद नहीं है, वो मैं डिफाइन करता हूँ वो क्या है, बस आप ये समझो इस वक्त कि अगर ये स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी उसमें मौजूद नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी मॉडल नहीं बन सकता। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाने के लिए उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी का होना जरूरी है। अब क्या है स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, जैसे मैं आपको अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, मैनी प्रोबेबिलिटी मॉडल्स इन इंजीनियरिंग आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरेजेस ऑब्टेन इन लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंटली यील्ड अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यूज। ये बात समझ आई आपको कि अगर आप ट्रायल्स कर रहे हो और लॉन्ग सीक्वेंस है उनका, लॉन्ग सीक्वेंस का मतलब है 100 किए, 200 किए, 1000 किया, एक खास हद के बाद अगर आप वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर जाओगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो एवरेजेस आ रही हैं, एवरेजेस वो सेम आना शुरू हो गई, बाकी सब कुछ उसमें रेंडम है, आउटपुट रेंडम है, लेकिन जो एवरेज आ रही है ना, अब एवरेज क्या है? रेशियो, कोई रेशियो है खास किस्म की, वो रेशियो जो है ना समथिंग बाय समथिंग, रेशियो क्या होती है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो रेशियो जो है वो अब आपकी, अगर मैं इसको यहां लिखूं रेशियो, ये मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये पेन जो है वो यूज कर रहा हूं, रेशो, तो अब जो रेशो आई है ना आपके पास, ये रेशो जो है ये कांस्टेंट हो गई, आउटकम कांस्टेंट नहीं हुआ, बॉल्स चेंज हो रही है, 0-1-2, 1-2-0-1-2, सब कुछ चेंज हो रहा है, बट रेशोस सेम आना शुरू हो गई, रेशोस ठीक है। तो रेशोस की बेसिस के ऊपर आप कहते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी मौजूद है। अब आपको मैं इसमें ले जाता हूं, इसी एक्सपेरिमेंट का हम देखते हैं कि इसकी रेशियोज क्या है। तो पहली रेशियो जो है उसका नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आप लफ्ज देख रहे हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रेशियो है। रेशियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आउटकम आई है के, इस वक्त आपके पास कितनी आउटकम्स हैं, ये जो
आपके पास अर्न वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें तीन आउटकम्स है ना, ठीक है, थ्री आउटकम्स हैं, ठीक है। आपने 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से जो जिस बाल के ऊपर लेबल किया हुआ था जीरो, वो कितनी बार आई, जितनी बार आई वो उसका नंबर बन गया, ये देख रहे हो एन के नीचे सब जीरो एन ये आया हुआ है, ये देखें ये वाला, आप मेरे साथ हो एवरीबॉडी, आर यू विद मी, ये एन के नीचे जो सब जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब है कि एन टाइम्स आपने ट्रायल्स किए स्मॉल एन, और उसमें जीरो कितनी मरतबा आया उसके लिए इन्होंने ये एन जीरो और ब्रैकेट के अंदर एन, ये जो है ना ये नोटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ टाइम्स बाल लेबल्ड जीरो अपीयर्ड इन 100 ट्रायल्स, 100 ट्रायल में वो कितनी बार आई, हो सकता है 70 टाइम्स बॉल जीरो अपीयर हुई, जब आपने ट्रायल किए ना 100 ट्रायल तो जो बॉल जीरो है वो 70 मर्तबा आई, बात समझ आ रही है आपको एवरीबॉडी, हेलो जी। तो अब वो 70 मर्तबा आई तो उस पर्टिकुलर, अब ये देखो ना स्मॉल एफ ये क्या है रेशियो बन गया है, ऊपर वाली क्या है नंबर ऑफ टाइम्स वो बाल आई, कितनी मर्तबा आई 70, और एन कितना है 100, 100 में से 70 मर्तबा वो आई, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बाल जीरो की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वो हो गई 70/100, ये रेशियो बन गई। उसके बाद आपकी जो बॉल नंबर वन थी वो कितने मरतबा आई 10 times आई, तो वो क्या होगी उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10/100, और जो बाकी बच गए 20 times उसमें बॉल नंबर टू आई होगी, तो बॉल नंबर टू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन गई 20/100। तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये क्या है रेशियो है, अब ये रेशियो डिपेंड करती है कितने ट्रायल किए हैं, देखें ना ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन है एन का फंक्शन है, एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो आप देखेंगे अगर आप इस रेशियो को ट्रैक करो ना और एन बढ़ाते जाओ ट्रायल्स बढ़ाते जाओ एक वक्त आएगा कि ये रेशियो जो है आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये जो रेशियो चेंज नहीं हो रही ना इसे कहते हैं उसके अंदर स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी आ गई है एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपको बात समझ आई अभी, यस सर। और इसमें आप इस लिमिट पे गौर करें, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर एन बहुत बड़ा हो जाए, एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर एन इंफिनिटी हो जाए मतलब बहुत बड़ा ट्रायल किया आपने 5000 दफा आपने बॉल उठाई या लेट से 10,000 times आपने की, अगर एन बहुत बड़ा है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पहुंच जाती है, वो उस पर्टिकुलर बॉल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी पीके, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ये उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिमिट में किसको अप्रोच कर जाता है प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर जाता है, तो अगर वो 70/100 है तो कितना हो गया 0.7, तो इसका मतलब है कि बॉल जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बॉल उठाऊंगा 100 ट्रायल के बाद 101 पे जब मैं ट्रायल पे बॉल उठाऊंगा तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, और बॉल वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्योंकि वो 10 था 10/100 था 0.1, और आपके बॉल टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो होगी 0.2। अब आपको बात समझ आई है कि प्रोबेबिलिटी कहां से आ रही है, ये एक फिजिकल प्रोसेस से आ रही है, एक फिजिकल प्रोसेस से आ रही है, और किसके थ्रू आ रही है लिमिट के थ्रू आ रही है, कि अगर आपका ट्रायल बहुत बड़ा हो जाए तो आपका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि जब आगे जाके हम आपको ये नहीं बताएंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है एक्सपेरिमेंट क्या है, हम आपको प्रोबेबिलिटियां बताएंगे,
तो याद रखना कि वो प्रोबेबिलिटियां कहां से आई हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसमें बहुत सारे ट्रायल्स हुए होंगे, और उसके बाद वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है बहुत सारे ट्रायल्स के बाद क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई है। तो आपको जब क्वेश्चन में हम कहते हैं कि फलानी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो याद रखना कि इस 0.4 नंबर के पीछे एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कार फरमा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है, जिसमें हुआ होगा कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद वो बंदा आपको बता रहा एग्जाम में कि गिवन कि ये प्रोबेबिलिटीयां हैं। तो याद रखना कि जो भी प्रोबेबिलिटी हो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, एवरीबॉडी? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी कहां से आती है, ये फिजिकल वर्ल्ड से आती हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में ट्रायल्स को बहुत ज्यादा करने के बाद जो रेशो बनती है उस रेशो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स उस पर्टिकुलर इवेंट का होना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस ट्रायल की, ये उस पर्टिकुलर इवेंट की जो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है, इसे हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको एवरीबॉडी? मैं आगे जाऊं? Yes, अभी तक जितने कंसेप्ट हैं ये सारे क्लियर हुए? स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का क्या मतलब है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस सर। अच्छा, अब जरा इस ग्राफ को देखें, आपने इससे पहले भी ग्राफ देखा था, याद है? इससे पहले ग्राफ, यस सर, मैं आपको ग्राफ सर जो ऊपर आया था ये वाला 0 1 2 वाला, ठीक है? इसमें सारी चीजें जंप कर रही हैं, रैंडम है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है? इस ग्राफ में स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मौजूद नहीं है। अब इसी एक्सपेरिमेंट का, इसी इन्हीं ट्रायल्स का हमने एक और ग्राफ बनाया, हमने ट्रायल्स दोबारा नहीं किए, हमने वही 100 ट्रायल्स हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, उनका ग्राफ बनाने का अमल चेंज कर दिया है। इसी ट्रायल्स का, इन्हीं 100 ट्रायल्स का हमने एक और ग्राफ बनाया, जिस तरह होता है ना पाई ग्राफ बनाते हो, फिर आप कहते हो हिस्टोग्राम बना देते हो, ठीक है? सेम डेटा तो सेम होता है ना, तो उसी सेम डेटा का हमने क्या बनाया अभी, उसी सेम डेटा का हमने बना दिया है एक और ग्राफ, लेकिन इस बार हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ बनाया। समझ आया कि नहीं एवरीबॉडी? हेलो 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 सर, नहीं आ रहा समझ, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा कि कैसे बने। हाँ, अब आप इसमें देखें ना कि इसमें उसने क्या किया है, तीन बॉल्स हैं, 0 1 2, 0 की उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, ठीक है? 0 बॉल, इसका मतलब है कि वो 0 बॉल जितने भी ट्रायल कर रहा है वो देख रहा है कितने बार उसमें 0 बॉल पिक हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 बार ट्रायल किया, 10 बार आपने ट्रायल किया, उसमें से 7 मरतबा 0 वाली बॉल पिक हुई, तो वो हो जाएगी 7/10। इसी तरह आपने लेट से अब ट्रायल आपके बढ़ते जा रहे हैं, आप 20 पे पहुंच गए हो, तो 20 पे जब आप पहुंची हैं तो अब उसमें से 15 मरतबा 0 आया है, तो अब क्या हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी, 15/20। बात समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। तो ये वाली देखिए, 0 वाली, ये लाइन 0 वाली है, ये शुरू में कोई बाल नहीं आई, ये देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये आपको मेरा एरो नजर आ रहा है जो मैं टी के साथ घुमा रहा हूँ यहाँ पे? यस सर, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब पहले ट्रायल में बॉल 0 नहीं पिक हुई थी। कौन सी बॉल पिक हुई थी? बॉल 1 वाली भी पिक, ये देखे ना 1 वाली बॉल पिक हुई है या 2 वाली, देखे ना 2 वाली भी पिक नहीं हुई, कौन सी बॉल पिक हुई थी? 1 वाली बॉल पिक हुई थी, ये देख रहे हैं इसमें। और उसके बाद क्या हुआ अगले ट्रायल में, उसके बाद जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, अब जो अगले ट्रायल सेकंड ट्रायल में जाओगी तो अब नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, 2 हो चुका है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, ऊपर का डिनोमिनेटर क्या होगा, वो हर बॉल का मुख्तलिफ होगा कि उन दो ट्रायल में कितनी मरतबा 0 बॉल आई, वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी,
कितनी मरतबा बाल वन आई वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कितनी मरतबा बाल टू आई वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। समझ आ रहे हैं? ये तीन ग्राफ हैं, हर बॉल का अलग अलग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ट्रायल के साथ उन्होंने एक्सटेंड किया है, देख रहे हो। और आप गौर से देखो कि 50 ट्रायल के बाद ऑलमोस्ट तीनों के तीनों कन्वर्ज हो रहे हैं, ग्राफ एक ही सर्कल में आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, एक ही पोजीशन पे जा रहे हैं, एक ही नंबर पे जा रहे हैं। ये देखें, कन्वर्ज हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अगर मैं कोई सर्कल ड्रा करूं, उस सर्कल के अंदर तीनों के तीनों पड़े हुए हैं, उससे बाहर कोई नहीं जा रहा। अगर ये डाइवर्ज करता तो ये ब्लैक ऐसे करके बाहर निकल जाता, ये डाइवर्जेंस है। लेकिन ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं इसको आगे जाके देखूंगा तो इससे छोटा सर्कल होगा, उसमें ये तीनों आ चुके होंगे, मतलब ये कन्वर्ज हो रहे हैं। ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, और बाल जीरो वाला भी इधर आ गया। ये देखें, मतलब सर्कल छोटा होता जा रहा है, छोटे सर्कल के अंदर तीनों आ रहे हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस हो रही है उनकी। तीनों बॉल्स का जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो कन्वर्ज कर रहा है, कर रहा है ना कन्वर्ज? यस सर। किस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, किस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है ये बता दो। 0.3। हाँ, 0.3 की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये 0.3 की लाइन, ये देखो, ये 0.3 की तरफ जा रहा है, ये तीनों के तीनों। और 0.3 क्या है? 1/3। इसका मतलब है कि एंड ऑफ द डे इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? 1/3। इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 101 टाइम रिपीट करूं तो कौन सी बॉल आएगी, तो मैं उससे कहूंगा कि बॉल जीरो के आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। और बॉल वन के आने के चांसेस क्या है? 1/3। बॉल टू के 1/3। ठीक है, तो 1/3, 1/3, 1/3, दीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज। तो इसका मतलब मैं प्रोबेबिलिटी में मेरा आंसर तब्दील नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगले लम्हे क्या होगा, लेकिन मैं एक्चुअली बता सकता, प्रोबेबिलिटी में बता सकता हूं, चांसेस बता सकता हूं कि चांसेस कितने हैं बाल जीरो के आने के, वो है 30%। ये धड़ल्ले के साथ बता सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि जब अगली बार एक्सपेरिमेंट हो तो बाल जीरो पिक ही ना हो, बाल वन आ जाए। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरी प्रोबेबिलिटी खराब हो गई है, प्रोबेबिलिटी वाइज मैंने आंसर ठीक दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टावर डिजाइन करना है, टावर के ऊपर आपकी विंड की स्पीड अप्लाई होती है। आपने पिछले 5 साल का डेटा उठाया और पता कर लिया कि इस इलाके में मैक्सिमम विंड की स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। आपने सेफ्टी का फैक्टर भी डाल दिया, आपने कहा 30 के लिए नहीं, मैं उसको 50 के लिए डिजाइन कर देती हूँ। तो आपने टावर बनाया जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की विंड को बर्दाश्त कर सकता है। तो आप तो प्रोबेबिलिटी को आपने इस्तेमाल किया ना, क्योंकि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख ली, उसका पिछला डाटा देख के आपने वो टावर बना दिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि जिस दिन आपने टावर बनाया उससे अगले दिन 80 किलोमीटर पर आवर की हवा आ गई और वो टावर गिर गया। तो क्या कोई आपको ब्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि आपने तो डेटा की बेस पे उसको बनाया। हाँ, अगर आप डेटा को ना देखती और बनाती हैं तो फिर आपकी गलती थी, लेकिन आपने डेटा को देख के बाकी तो काम अल्लाह के हैं कि अगले दिन 80 किलोमीटर आ गई। हाँ, आपको ब्लेम ये है कि आपने पिछला डेटा ही नहीं देखा, आपने सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की बेसिस पे एक टावर खड़ा कर दिया, और आपको पता है कि लोगों को पता है कि इस इलाके में 30 किलोमीटर तक हवाएं चलती हैं, इतनी स्पीड की हवाएं होती हैं। फिर तो आपको ब्लेम है कि आपने डेटा ही नहीं चेक किया, उस इलाके की एनवायरनमेंट को ही नहीं देखा, आपने टावर खड़ा कर दिया। वो टावर जो रावलपिंडी में था वही टावर आपने मियांवाली में खड़ा कर दिया, बगैर देखे कि मियांवाली के पहाड़ों पर हवा कितनी चलती है और इस्लामाबाद में हवा कितनी होती है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? जी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको सेव करती है ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस, कि जब किसी चीज में अनसर्टेनिटी होती है तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं? प्रोबेबिलिटीज का सहारा लेते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एज ए गॉड इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हर चीज हिल रही है अपनी जगह से, शेक है, सिवाय एक चीज के, और उस चीज का नाम है प्रोबेबिलिटियां। प्रोबेबिलिटियां तब्दील नहीं होती हैं एक्सपेरिमेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ आ गई। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? बेसिकली आपके पास चांस है कि उस चीज के होने का चांस कितना है, ये आप बता सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये आप नहीं बता सकते हो। हाँ, चांस बता सकते हो कि इस चीज के होने का चांस ज्यादा है या कम है। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? जी सर। आप देखिए, अगर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बढ़ा दें, 50 से 500 कर दिया है, अब देखिए किस हद तक रेगुलरिटी आ गई है। देखो कितना कन्वर्ज हो गया है, कहां कन्वर्ज हो रहा है, 0.3 पे आ गया है। देखो 0.3 पे तीनों के तीनों, मतलब अगर 500 से 1000 पे चला जाऊं तो जितना ज्यादा मैं एम को इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूं, याद रखिएगा लिमिट में था वो, लिमिट में रिलेटिव फ्रीक्वेंसियां किसको अप्रोच करती हैं, प्रोबेबिलिटी को, और लिमिट क्या है, एम को इन्फिनिटी होना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रायल करूंगा उतना मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोबेबिलिटीज को मैच करेगा। एग्रीड? यस सर। गुड, प्लीज अपना माइक बंद कर दें, अगर आप कोई और बात कर रही हैं किसी के साथ तो प्लीज माइक बंद कर दें। अच्छा, इसमें अब एक चीज इस्तेमाल होती है जिसका नाम है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी न किसी इवेंट के चांसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ये देखें ना, ये लग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कोई भी इवेंट है और वो इवेंट क्या है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके होने के जो चांस है उसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी इज द चांस, क्या चांस है इस दफा, कितना लाइकलीहुड है कि ये इवेंट होगा। ये आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। अभी वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, एक्सपेरिमेंट के होने से पहले आप उसकी आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो उसके गिर्द कुछ एक्सियम्स बनाए गए हैं। एक्सियम्स कहते हैं उन सारे रूल्स को जिनको आपने बगैर किसी सबूत के सही मानना है, उसके बाद बाकी बिल्डिंग खड़ी होती है उसके ऊपर। तो एक्सियम्स क्या क्या है प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है 0 और 1 के दरमियान होती है, ये हमेशा फ्रैक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक फ्रैक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या है 1। ये 0 और 1 के दरमियान एक फ्रैक्शन है, जितना ज्यादा ये फ्रैक्शन 0 की तरफ जाता है उतना हम कहते हैं कि इट इज लेस लाइकली टू हैपन, और जितना ये वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ जाती है 0.9, 0.8, हम कहते हैं कि इस इवेंट के होने के चांस बढ़ गए, इट्स मोर लाइकली टू हैपन। बात समझ आ गई आपको? तो पी स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, और ये इवेंट ए किसके ऊपर है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई इवेंट है। डिटर्मिनिस्टिक का जो होता है उसका हमेशा 1 आता है। डिटर्मिनिस्टिक अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि उसका तो होना ही होना है। तो अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, हमें पता है वो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी उम्र कितनी होगी जब मैं फोर्थ हो जाऊंगा, तो अगर वो मैं आपको कहूं कि वो 900 साल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी माय एज विल बी 900 इयर्स व्हेन आई विल डाई, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 0। और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी हाइट जो है वो 100 feet है इस वक्त, तो इसके चांसेस क्या है कि मेरी हाइट 100 feet होगी, ठीक है, 0। अगर आपसे कहूं कि मेरी हाइट 1 foot है, बोना हूं मैं, ठीक है, तो उसके चांसेस क्या है? यस एवरीबॉडी, हेलो सर, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक बोना आदमी हूं, मेरी हाइट 1 foot है,
तो उसके चांसेस क्या हैं? हेलो 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 हेलो, उसके चांसेस क्या हैं कि हेलो आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज जा रही है? डू यू हेयर मी? हेलो आपको आवाज आ रही है? हेलो यस सर आ रही है। अच्छा अगर आपसे मैं कहूं कि मैं एक बोना हूं, ठीक है, और मेरी हाइट 1 फुट है, तो इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस थोड़े हैं ना, जीरो ही होंगे, ठीक है, मैं बोना नहीं हूं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके नंबर 2 पे जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होगी? अगर आपसे कहूं कि सैंपल स्पेस है, अब सैंपल स्पेस में तो सारे आउटकम्स आए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बाल आपने 3 बॉल्स वाला, आप मेरे साथ हैं? हेलो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही, अच्छा सॉरी। मैं उसको स्क्रीन शेयर जी, अब हो गई जी। यस सर, यस सर। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस इज 1, हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, मैं क्लास में हूँ, हाँ मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लूंगी, थैंक यू। अच्छा अब अगर आपसे मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस, ये देखे ना पी ऑफ एस, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस इज 1, ये क्यों 1 होती है? क्योंकि सैंपल स्पेस में सारे आउटकम मौजूद हैं। आर यू विथ मी? हेलो यस सर, यस सर। आपको समझ आई क्यों हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 क्यों हुई है? क्योंकि अगर मैं वो अर्न वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप मेरे साथ हैं? हेलो यस सर, ये 1 क्यों हो गई है सैंपल स्पेस वाली? ये इसलिए कि आउटकम, अगर मैं आपका अर्न वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि इस पर्टिकुलर में एक बाल उठाऊंगा और वो बाल 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, तो जहरी बात है जो बाल उठाऊंगा वो है ये तीनों बाल हैं उसके अंदर, 0 बाल है, 1 है, 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या चांसेस हैं कि जब तुम बाल उठाओगे तो वो बाल 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, तो वो तो जहरी बात है, उसका तो चांस 100% है, जहरी बात है, बाल तो एक उठनी है ना, उसमें तीन ही तो बाल हैं। सर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी हमारी उस सैंपल स्पेस के अंदर ही होगी इसलिए हम इसको ऑन कर रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब आपकी जो आउटकम आ रही है वो उसी सैंपल स्पेस का हिस्सा है ना, तो आपका इवेंट अगर सैंपल स्पेस है, आपका इवेंट इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस उस इवेंट के अंदर आ गई है, यस सर, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, जैसे कि वो मौला नसीरुद्दीन वाला वो लतीफ़ा है कि उसने कहा कि अल्लाह ताला या तो मेरी सुनता है या मेरी माँ की सुनता है, तो मैं कहता हूँ कि कल बारिश नहीं होगी, मेरी वालदा कहती है कल बारिश होगी, तब जहरी बात है या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस उसकी पूरी की पूरी उस इवेंट के अंदर आ गई है, तो उस इवेंट की के होने के चांसेस तो 100% हो गए हैं। मेरी बात आप सुन रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि उसने तो सारे के सारे आउटकम्स जो हैं वो अपने इवेंट के अंदर डाल दिए, तो उसने कहा कि या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई, 100% हो गई। मेरी बात समझ आई आपको? Yes, sir. जी। अच्छा, if A and B are events that cannot occur simultaneously, अगर A और B ऐसे इवेंट हैं जो एक ही वक्त में नहीं हो सकते,
If A and B are events that cannot occur simultaneously, अगर वो एक ही वक्त में नहीं हो सकते, तो अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटी को लूं A और B, तो किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब आपके पास दो इवेंट हैं और दोनों के दोनों इवेंट एक ही टाइम में नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के यू विल पिक बॉल नंबर 0 एंड बॉल नंबर 2. तो अब जब आप बॉल उठाएंगे, या तो बॉल 0 आएगी आपके हाथ में, या बॉल 1 आएगी, या बॉल 2 आएगी. मतलब एक ही वक्त में बॉल 2 और बॉल 1 तो नहीं आ सकते ना. इसका मतलब है कि ए और बी, अगर आपका ए इवेंट है बॉल 0 का उठाना और आपका बी इवेंट है बॉल 2 को उठाना, तो ये दोनों इवेंट्स एक ही वक्त में तो नहीं हो सकते. एक ही ट्रायल के अंदर तो दोनों नहीं हो सकते. तो इस सिचुएशन में अगर आपने उसके दरमियान में और डाल दिया, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होके आपका टोटल चांस बन जाएगा. क्योंकि अब चाहे बॉल 0 उठे या 2 उठे, दोनों केसेस में आपका इवेंट हो गया, क्योंकि आपके इवेंट के अंदर और आ गया. आपके इवेंट के अंदर और है, ये या वो. अब आपको बात समझ आई? यस सर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछूं कि बॉल 0 के होने के चांसेस और बॉल 2 के होने के चांसेस इकट्ठे पूछूं कितने हैं, तो वो तो 1/3 प्लस 1/3, 2/3 हो जाएगा ना. यस सर. अब तो 1/3 नहीं रहा, अब तो चांस बढ़ गया है, क्योंकि आपने और कर दिया है. यस सर. तो और करने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी ऐड हो गई दोनों, ए प्लस बी. बात समझ में आ गई? जी. अच्छा, इसमें अगला टॉपिक है बिल्डिंग ए प्रोबेबिलिटी मॉडल. तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ लें, ठीक है, और इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को. मैं ताकि आपको टाइम देना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना ये तीन एग्जांपल जो हैं आप इसको स्टडी कर लें. नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी मॉडल कैसे बनाया, कैसे जाता है, रियल सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी मॉडल कैसे बनाया जाता है, ठीक है. अच्छा, अब अगर आप चाहें तो थोड़ी ब्रेक ले लें, अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हो, क्योंकि अगली क्लास फिर शुरू करते हैं. दो क्लास ही है ना, बैक टू बैक. जी. हेलो जी सर, ब्रेक ले लेते हैं. जी सर. अच्छा, तो एक काम करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है. सो लेट अस से वी मीट, या अभी 12:15 हैं, तो लेट्स मीट एट 12, ठीक है. यस सर. यस सर. रिकॉर्डिंग कर देता हूं, फिर हम 12 बजे मिलते हैं, ठीक है. ओके. ओके जी. अच्छा, मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ इस वीडियो में. अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें जरा गौर से. आपको सबको स्क्रीन नजर आ रही है? एवरीबॉडी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा. 4 people रन इन ए मैराथन, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस फिनिश. 4 people रन इन ए मैराथन, 4 बंदे एक मैराथन में भाग रहे हैं, कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट और सेकंड प्लेस में फिनिश होगा. अब आपके पास 4 बंदे हैं, जेसन, शान, सैली एंड मार्था. ये 4 लोग हैं जो एक रेस हैं, और चारों की स्किल बराबर है. इसका मतलब कोई भी एक उसमें से फर्स्ट आ सकता है, कोई भी सेकंड आ सकता है. सो ऑल हैव द सेम स्किल सेट, जेसन, शान, सैली एंड मार्था. अच्छा, अब हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन को बगौर करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनमें वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अब आप वर्डिंग पे गौर करें, इन हाउ मैनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस फिनिश. पहली और दूसरी प्लेस पे कैसे आ सकते हैं लोग, कितने तरीकों से ये आपका इवेंट एंड अप हो सकता है. एक इवेंट
एंड अप हो सकता है कि जेसन फर्स्ट आ जाए, शान सेकंड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि शान फर्स्ट आ जाए और सैली सेकंड आ जाए, या ये हो सकता है कि सैली फर्स्ट आ जाए और शान सेकंड आ जाए, या सैली फर्स्ट आ जाए जेसन सेकंड आ जाए। आप समझ रहे हैं जिस के इन हाउ मेनी वेज का क्या मतलब है? एवरीबॉडी हेलो हेलो यस सर, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस फिनिश? अच्छा, इसमें सबसे आसान काम होता है कि आप इसका एक ट्री डायग्राम बना लो। लेट्स से कि जेसन फर्स्ट है तो सेकंड पे शान आ सकता है, सैली आ सकती है, मार्था आ सकती है, ठीक है? तो जेसन फर्स्ट आ गया तो जेसन तो अब सेकंड आ ही नहीं सकता बिकॉज ही हैज बिकम फर्स्ट। तो सेकंड में हमारे पास तीन और लोग हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकता है। तो आपका पहला आउटकम है जेसन शान, दूसरा आउटकम है जेसन सैली, तीसरा आउटकम है जेसन मार्था। इसी तरह शान फर्स्ट आ सकता है, अगर शान फर्स्ट आ गया तो फिर हमारे पास चांसेस क्या है? जेसन आ सकता है सेकंड, या सैली आ सकती है, या मार्था आ सकता है। इस तरह अगर सैली फर्स्ट आ गई तो जेसन शान और मार्था सेकंड। तो इन ऑल दोस केसेस अगर आप गौर से देखें तो आपकी फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास चार लोग हैं, जेसन शान सैली एंड मार्था। सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास तीन हैं गिवन द फर्स्ट। तो टोटल आपके पास 12 आउटकम्स आ गए। अब ये मैराथन की जो रेस हुई है ये क्या था? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। इसके कितने आउटकम्स आ गए? 12 आउटकम्स आ गए। देयर आर 12 आउटकम्स। आप देख रहे हैं इसको एवरीबॉडी? हेलो यस सर, यस सर देख रहे हैं। आपको समझ आई कि 12 आउटकम्स आए हैं इसमें? यस सर। हाँ, पहले फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए हमारे पास चार आउटकम्स हैं। जेसन आ सकता है फर्स्ट, शान आ सकता है, सैली आ सकती है, मार्था आ सकती है। इनमें से कोई एक भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है क्योंकि स्किल सेट सेम है सबका। सेकंड पोजीशन पे अगर फर्स्ट इनमें से जो भी आ गया वो इस पूल में से निकल गया। अब इस पूल के अंदर कितने रह गए? इस पूल के अंदर तीन लोग रह गए, वो तीनों में से कोई भी आ सकता है। सो द टोटल आउटकम्स दैट कैन हैपन इज 4 into 3। पहले में चार हैं और दूसरे में तीन तीन हैं, तो 4 into 3 इज इक्वल टू 12। 12 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हैं। तो 12 आउटकम्स का अगर आप एक सेट बनाओगे तो उस सेट का नाम होगा सैंपल स्पेस। वो 12 आउटकम्स हैं, वो सैंपल स्पेस है। तो वो जो क्वेश्चन में था कि इन हाउ मेनी वेज इट कैन हैपन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, वो वेज कितने हो गए? 12 वेज हो गए। अच्छा, इसमें अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं जब कहता हूं कि लेट्स से इनमें से एक आउटकम उठा लेते हैं, पहला जेसन फर्स्ट है, शान सेकंड है, क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं कि शान को फर्स्ट लिया और जेसन को सेकंड? तो क्या ये आउटकम सेम रहेगी? नहीं, ये आउटकम तो चेंज हो जाएगी। तो इस आउटकम में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, इस किस्म की जो आउटकम्स होती हैं या अरेंजमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं परमुटेशंस। तो इसमें 12 परमुटेशंस हैं। डू यू गॉट इट एवरीबॉडी? आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर, ये 12 परमुटेशंस हैं इसमें। अच्छा, अब जब भी परमुटेशन की बात आती है तो एक फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल आता है। अब फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास E1, E2, E3, EK बी ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अगर वो इवेंट्स का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, लेट E1, E2, E3, EK बी ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन वो एक इवेंट नहीं है, सीक्वेंस है उसमें, जैसे इस केस में पहला सीक्वेंस है, पहला इवेंट क्या है? फर्स्ट पोजीशन का फिल करना। दूसरा इवेंट क्या है? सेकंड पोजीशन का फिल करना। तो इसमें क्या है? दो इवेंट हैं, E1, E2। तो अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो और फर्स्ट इवेंट जो है वो M1 डिफरेंट वेज में हो सकता है, कैन अकर इन M1 डिफरेंट वेज, दूसरा इवेंट आपका M2 वेज में हो सकता है, और सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट ऑल के इवेंट्स कैन हैपन, अगर के इवेंट्स हैं वो,
तो क्या होगा m1 मल्टीप्लाइड विद m2 मल्टीप्लाइड विद m3 मल्टीप्लाइड विद mk. ये आपको समझ आया ये प्रिंसिपल? Everybody, fundamental counting principle. ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया? Fundamental counting principle. Fundamental counting principle. Everybody, hello. Hello. आप लोगों को समझ आया? Hello. Fidaullah. अब्दुल हसीब, यस सर, आपको ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया? अरसलान, बिलाल, ईशा, हमजा, ये आपको समझ में आया? सवेरा, शाम से, यस सर आ रहे. फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि आपके पास पहला इवेंट, दूसरा इवेंट और ये सारे के सारे इवेंट जो हैं, ये हैपन हुए हैं और ये सारे के सारे इवेंट सीक्वेंस में हैपन हुए हैं, वन आफ्टर द अदर. अगर पहले इवेंट के होने के चांसेस M1 हैं, दूसरे इवेंट के होने के चांसेस M2 हैं, तीसरे इवेंट के होने के चांसेस M3 हैं, तो टोटल चांसेस क्या हैं हैपन होने के? M1 इंटू M2 इंटू M3, मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके चांसेस. इसे कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल. जैसे आपकी अभी जो एग्जांपल है इसमें ये है कि पहले रेस में पहली पोजीशन पे आने के लिए कितने आपके चांसेस हैं, कितने वेज में हो सकता है? फोर वेज में हो सकता है, उन चारों में से कोई बंदा भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है. अब फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक तो आएगा तो वो तो पूल में से निकल गया. अब दूसरे सेकेंड प्लेस पे आने के लिए तीन बंदे हैं, तो इन थ्री वेज इट कैन हैपन. तो टोटल वेज कितने हो गए? फोर मल्टीप्लाइड विथ थ्री. आपको बात समझ आई? अब तो ये हो गए 12. तो 12 डिफरेंट वेज में, 12 डिफरेंट वेज में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड हो सकता है. इन हाउ मेनी वेज इट कैन हैपन? इन 12 वेज. इन 12 को क्या कहते हैं? परमुटेशंस. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? हेलो, यस सर, हो गया क्लियर? यस सर. अच्छा, अब ये 12 अगर आप इसको ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपकी ट्री डायग्राम भी आपकी बन जाएगी. आप देख रही हैं ना, ट्री डायग्राम बनी हुई है. तो ये ट्री डायग्राम के थ्रू भी आप 12 अपने आप को कन्विंस कर सकते हो कि 12 क्यों आया है. वो सारे के सारे 12 जो है ना आउटकम्स आप देख सकते हो. सर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं जी, सर मतलब हमारे पास ऐसे एन, यहाँ पे हमारे पास चार लोग हैं, अगर हमारे पास एन लोग होते हैं तो n minus 1, n minus 2, हाँ, up to 0 तक जाएंगे. बिल्कुल. अभी मैं आपको ये बताने लगा हूँ. अभी ये बताने लगा हूँ. A permutation of n element is an ordering of n elements such that one element is first, one is second, one is third. आपको ये बात समझ आई है कि जब आप मैं से कहता हूँ कि n elements की permutation करो, चार कुर्सियां हैं, उन चारों कुर्सियों की permutation बताओ कितनी होगी, तो वो हमेशा चार कुर्सियों की परमुटेशन होगी 4 factorial. मेरी बात समझ आ रही है? वो चारों की चारों परमूट हो सकती हैं, आपस में आगे पीछे हो सकती हैं. कुर्सी नंबर 1 पहले हो सकती है, कुर्सी नंबर 1 दूसरे नंबर पे. तो सारी की सारी अगर आप देखें तो 4 factorial होंगी. इसे कहते हैं परमुटेशन, रीअरेंजमेंट. उन चारों कुर्सियों की कितनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? चार कुर्सियां हैं और उन चारों की चारों कुर्सियों की रीअरेंजमेंट करनी है तो वो 4 factorial होगा. बात समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है. लिस्ट ऑल परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कैट. कैट में जितने लेटर्स हैं इनकी परमुटेशंस बताओ, कितनी पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकती हैं? अब आपको पता है कैट के अंदर कितने लेटर्स हैं? तीन लेटर्स हैं, सी ए टी. तो इनकी कितनी हो सकती है? 3 factorial. वो 3 factorial क्या है? 3 × 2 × 1, तो 6 हो गई. और वो 6 कैसी होंगी? आप उसको चेक भी कर सकते हो. ये देखो सारी परमुटेशन दी हुई है उसने, कैट, CTA, ACT, ATC, TCA, TAC, ये सारी के सारी 6 हैं. इसके अलावा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, इनकी पोजीशन चेंज कर दिया ना उसने.
ठीक है, सिक्स परमुटेशंस। इसका एक और तरीका भी है, इसके एक और तरीका भी है, अगर मैं इसको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं ये तीन पोजीशन के डब्बे बना दूंगा यहाँ पे, देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं। पहला बॉक्स क्या है, पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन में से इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास चांसेस क्या है, थ्री। तो पहला इवेंट थ्री वेज में हो सकता है, दूसरा इवेंट जो दूसरा बॉक्स है सेकेंड पोजिशन है उस वो टू वेज से हो सकता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, पूल में से निकल गया। इसी तरह तीसरी पोजीशन में अगर मैं कोई लेटर डालना चाहूं तो ऑलरेडी दो लेटर तो इस्तेमाल हो गए, आखिरी एक ही रह गया, तो मेरे पास तीन इवेंट हैं। अगर आप इसको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल की नजर से देखो तो ये थ्री इवेंट्स हैं, पहला इवेंट है E1, दूसरा इवेंट है E2, तीसरा इवेंट है E3। ये थ्री डिफरेंट इवेंट्स हैं, मेरी बात समझ आ गई, थ्री डिफरेंट इवेंट्स हैं, E1, E2, E3। ये थ्री डिफरेंट इवेंट्स हैं, पहला इवेंट थ्री में हुआ है, दूसरा इवेंट टू वेज में हुआ है, और तीसरा इवेंट वन वेज में हुआ है। तो इसका मतलब है इन टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन हैपन इज सिक्स, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन हैपन इज सिक्स, सिक्स वेज में। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे परमुटेशन को आप आउटलाइन करके लिख के कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे चांसेस ऐसे होंगे जहां पे आप ये काम नहीं कर सकोगे, हर परमुटेशन को नहीं लिख सकोगे, तो उसमें फिर फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल आपको बहुत हेल्प करता है। यू गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर जी। अच्छा अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एनपीएन। एनपीएन क्या है? एनपीएन का मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशन, number of permutations of n things taken n at a time, number of permutations of n things, dekho ye pehla n jo hai n things taken n at a time, ye hamesha kya hoga, n factorial hoga, 6 kursiyan 6 ki 6 ko arrange karna hai aapne wo 6 factorial hoga, 3 kursiyan 3 ki 3 arrange karni hai wo 3 factorial hoga। लेकिन इसमें एक और केस भी होता है कि आपके पास है 6 कुर्सियां लेकिन आपने उसमें से 3 कुर्सियों की अरेंजमेंट करनी है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम। उसमें फिर कम हो जाता है कि है 6 कुर्सियां पूल में पड़ी हुई है, उन 6 से आपने कितने 3-3 के कितने सेट बना सकते हो आप, वो हो जाएगा आपका 6P3। वो है 6 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास लेकिन आप उसमें से जो सेट बना रहे हो वो 3-3 के सेट बना रहे हो। बात समझ में आ गई? ट्वेंटी पीपल्स आर रनिंग फॉर ऑफिस इन एन इलेक्शन। आप लोग हो मेरे साथ एवरीबॉडी? बीस लोग हैं आपके पास पूल में पड़े हुए हैं, उन 20 लोगों में से आपने एक प्रेसिडेंट चूज करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है और एक सेक्रेटरी चूज करना है। इन तीन पोजीशन के लिए आपको बंदे चाहिए, आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं, 20, और हर एक इक्वली लाइकली है, हर एक के चांस इक्वल है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज, कितने वेज में यह काम होगा? अब आप सोचे ना कि 20 में से 20 के 20 प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट वाली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 20। वाइस प्रेसिडेंट वाले को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज होंगे, 19, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट बन गया, पूल में से निकल गया। और सेक्रेटरी को बनाने के लिए मेरे पास कितने होंगे एवरीबॉडी? 18, क्योंकि दो तो चले गए, तो इसका 18. मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन कैन हैपन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये होगा 20 मल्टीप्लाइड विद 19 मल्टीप्लाइड विद 18। इससे जो नंबर आएगा ये नंबर मेरे उन सारे वेज को डिस्क्राइब कर देगा जिसमें ये काम हो सकता है। यही बात है ना? अब अगर मैं इस चीज को फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से, मैंने अभी हल किया ना इसको, मैं अगर परमुटेशन के फॉर्मूले में ले जाऊं तो उसमें क्या हो जाएगा, 20P3। 20 पीपल है उसमें से 3 की परमुटेशन देख रहा हूं, 20 लोग हैं उसमें से 3 लोगों की रीअरेंजमेंट देख रहा हूं।
अच्छा एक याद रखना, एक परमुटेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो मैं वो कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है आपकी एवरीबॉडी? तो अब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, और ये देखे ना 20 वेज में ये हो सकता है, 19 वेज में सेकंड और 18, इनको मल्टीप्लाई किया 6840 डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया सर? जी जी सर। अच्छा yes, आगे चलें। परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स टेकन आर एट ए टाइम, अब आर एन से मुख्तलिफ हो गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास पूल बड़ा हो लेकिन आपने उसमें से चॉइस कम लोगों की करनी हो, तो फिर वो आ जाता है परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। देखे ना, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। और एक और सिनेरियो जिसमें परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, देयर आर इज लेस देन एन, तो फिर वो कुछ और कहानी हो जाएगी, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, n factorial over n minus r factorial। ये आ जाएगा आपका permutations of n elements, permutations of n elements taken r at a time, जिसमें r at a time अगर आप देखेंगे तो वो आ जाएंगे एन पी आर, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ट्वेंटी पी थ्री, 20 फैक्टोरियल और 20 माइनस थ्री फैक्टोरियल, 20/17 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बिल्कुल वही नंबर आएगा जो आपने अभी देखा है, 6840। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा एक और चीज है, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है। ठीक है एवरीबॉडी? तो अगर एनपीएन पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली एन फैक्टोरियल आ जाएगा। देखे ना, एनपीएन का हो गया एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल, नीचे जीरो फैक्टोरियल आ गया और वो वन के बराबर हो गया। तो सारी चीज किसके बराबर हो गई? एन फैक्टोरियल के बराबर हो गई, एनपीएन, एन फैक्टोरियल। सेवन डिजिट फोन नंबर्स, आप हैं मेरे साथ? एवरीबॉडी हेलो। यस सर। यस सर। सेवन डिजिट फोन नंबर्स इन ए सिटी, सेवन डिजिट का फोन नंबर किसी सिटी में इस्तेमाल हो रहा है, ऑल हैव 661 एज द फर्स्ट थ्री डिजिट। उन सारे फोन नंबर का एक फिक्स्ड पोर्शन है, वो है 661, वो सिटी का कोड है, वो तो हर एक नंबर के आगे लगा होगा, हर नंबर के आगे क्या होगा 661, ये तो फिक्स हो गया। बाकी जो चार नंबर है ना, चार डिजिट रह गए हैं, सात डिजिट का है ना, तीन तो ये हो गए, चार जो आगे चार लगेंगे उसके, उसके कितने आपके पास परमुटेशंस बन सकती हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं? अगर आप इसको, जी इसको आप गौर से देखो तो ऐसा नंबर 6610123 1023, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये भी मुख्तलिफ नंबर है, किसी का टेलीफोन नंबर है, ये भी मुख्तलिफ नंबर है, ये दोनों सेम टेलीफोन नंबर नहीं हो सकते, इसलिए ऑर्डर मैटर कर रहा है। जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां पे परमुटेशंस आ जाती है, वहां परमुटेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब चार हैं और पहली पोजीशन पे ये क्या है, 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पे आप कितने डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो? 0 to 9 है, कितने हो गए? 10। इसका मतलब है कि इस पोजीशन को फिल करने के लिए ये जो पोजीशन है यहां पर 10 आ सकते हैं, ये जो सात वाली पोजीशन है इसके ऊपर भी 10 हो सकते हैं, तीसरी के ऊपर भी 10 हो सकते हैं, चौथी के ऊपर। इसका मतलब है कि कितने हैं? 10^4 परमुटेशंस हैं। डू यू एग्री विद दिस वन एवरीबॉडी? यस सर। अब आप देखिए चार डब्बे हो गए, ये मैं कह रहा हूं कि चार डब्बे हैं ना आपके पास, 661 तो फिक्स हो गया, सात में से तीन डिजिट तो फिक्स हो गए क्योंकि हर नंबर के आगे आएंगे, इनकी तो हमारे पास कोई, ये तो सेम होंगे, अगलों की परमुटेशन देख लेते हैं ना। तो ये आ गया आपका चौथे नंबर का डब्बा, देखा पांचवें नंबर का डब्बा, 6 7। चौथे नंबर के डब्बे के ऊपर अगर मैं फंडामेंटल काउंटिंग का प्रिंसिपल इस्तेमाल करूं तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 10 वेज। और मैं फिफ्थ का डब्बा इस्तेमाल करूं तो इसके वेज कितने हैं? इसके भी 10 हैं।
और इसको इस्तेमाल करूं तो इसके कितने वेज हैं? 10. सेवंथ को करूं तो इसके भी 10 है. टोटल 10,000 वेज हैं जिसमें ये काम हो सकता है. 10,000 वेज में ये काम हो सकता है. बात समझ आ रही है आप सबको? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. 10,000 वेज में ये काम हो सकती हैं, परम्यूटेशंस हो सकती हैं. In how many different four letter radio station call letters can be arranged if the first letter must be W or K? Four letter ke aapne words banane hain, call usse kehte hain, radio call. Lekin usme shart ye hai ki pehli position pe W hoga ya K hoga. To agar aap isko gaur se dekho to ye bhi four positions hain. Ye dekho na, first position, second position, third position, fourth position. Pehli position pe sirf do ways hain. Kyun? मेरे पे शर्त यह है कि मैंने W उठाना है या K उठाना है. और लेटर्स में भी रिपीटेड रिपीटेड लेटर भी ले सकता हूं. अब सेकंड पोजीशन के लिए मैं क्या करूंगा? 26 है. थर्ड पोजीशन के लिए भी कितने वेज में मैं थर्ड पोजीशन फिल कर सकता हूं? 26. फोर्थ पोजीशन 26. तो ये कितने हो गए? ये टोटल आपके पास आ गए 35,152. इतने वेज में आप ये काम कर सकते हैं. आपको समझ आया सबको कैसे हुआ ये? Everybody? जी सर. अच्छा, अगला देखें. अब आपके पास अगर मैं ये कहूं, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर डिजिट ऑड नंबर्स, ऑड नंबर बनाने हैं आपने, फोर डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं जो कि 3000 से बड़े हो. And digits can be repeated. तो अगर 3000 से बड़े बड़े आपने बनाने हैं तो पहली पोजिशन पे या तो 3 आएगा या 3 से बड़ा कोई odd number आएगा. यही होगा ना? I'm clear? 3 होगा या 3 से बड़ा कोई नंबर होगा. तो कौन सा नंबर होगा? 7 ways है ना. 3 से स्टार्ट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ways में यह जगह फिल हो सकती है पहली वाली, क्योंकि 3 से छोटा तो नहीं हो सकता, वो तो 3000 से कम आ जाएगा. दूसरी पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से 10. तीसरी पोजीशन पे कोई भी आ सकता है. आपके ख्याल में चौथी पोजीशन पे क्या नंबर आएगा? 1, 3, 5, 7 और 9. आखिरी पोजीशन पे वो चीज आएगी जो इस पूरे नंबर को 8 बना देगी. तो इस पूरे नंबर को 8 बनाने के लिए जरूरी है कि जो लास्ट पोजीशन होती है ना, लास्ट का मतलब है सबसे छोटी पोजीशन जो उसकी है, यूनिट वाली पोजीशन है, उसके ऊपर कोई 8 का नंबर आना चाहिए. तो 8 कौन से हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7. तो इसमें क्या आ जाएंगी? 5. तो टोटल कितने वेज हो गए? 3500. एवरीबॉडी क्लियर? जी, क्लियर हो गया आप सबको? गुड. इन हाउ मेनी वेज 10 पीपल फिनिश ए रेस in first, second and third place assuming no ties? 10 log hain. To pehli position pe, first position pe kon aayenge? Kitne ways mein pehli position fill ki ja sakti hai? Hello, pehli position kitni mein fill ki ja sakti hai? 10 logs, 10 log fill kar sakte hain. Theek hai. Second position mein kitne aa sakte hain log? 9. Teesri position mein kitne aa sakte hain? 8. 720 ways. ठीक है? Yes. तो ये 720 ways क्या है? 720 permutations हैं. ठीक है? और इसको अगर हम इस counting principle से के साथ साथ अगर हम इसको formula से करें तो ये हो जाएगा NPR, n factorial n minus r factorial. क्यों? 10 में से 3 लोगों की परमुटेशन आप चेक कर रहे हैं. यही हो रहा है ना? Yes sir. It is the number of permutation of 10 objects taken 3 at a time. यही हो रहा है ना? तो इस फॉर्मूले के तहत अगर आप इसको देखें तो आंसर सेम आएगा आपका. अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पेंटिंग्स बी डिस्प्लेड इन ईच ऑफ द 6 डिफरेंट लोकेशन? 6 पेंटिंग है और 6 ही लोकेशन है. इसका मतलब क्या जवाब आएगा आपका? वेरी क्विक प्लीज. 6 पेंटिंग्स हैं, 6 लोकेशंस हैं.
इसमें और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट्स हैं। जब ऑब्जेक्ट्स और टेकन इकट्ठा हो जाए, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ सिक्स ऑब्जेक्ट्स टेकन सिक्स एट ए टाइम, तो वो क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट्स हो जाती हैं। आप सिर्फ उनको अपनी जगह से रीअरेंज कर रहे हो, हिला रहे हो, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फाइव फोर थ्री टू इंटू वन, तो ये क्या है, सिक्स फैक्टोरियल है। अच्छा, एंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग थ्री ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉल्फिन इफ नो लेटर इज रिपीटेड। अब डॉल्फिन में सारे लेटर्स मुख्तलिफ हैं, तो इसमें से थ्री ऑफ द लेटर्स उठाने हैं आपने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में से थ्री लेटर उठाने हैं, और तीनों को रीअरेंज कर सकते हो। तो सेवन सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, सेवन पी थ्री, यही हो गया सेवन पी थ्री। ठीक है, आपने फंडामेंटल काउंटिंग से कर लिया, प्रिंसिपल से, और मैंने उसको फॉर्मूले से कर लिया, बिल्कुल यही चीज है। और आई गेस यू आर डन विद इट, माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया ये। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है कि हमने ये परमुटेशंस कर ली और चैप्टर नंबर वन कर लिया, और चैप्टर नंबर वन के दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप उसको पढ़ें। चैप्टर वन को मैं ये बुक भी अपलोड कर दूंगा LMS के ऊपर, और आप वहाँ से ये बुक उठा सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड फॉर टुडेज लेक्चर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस सर जी, हेलो जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो, ये जो सर हमने सारे टॉपिक, जी 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 सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं, हमने बस इनको मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, या फिर हमने इनकी कोई ये याद करना है कि एज इट इज ये किस तरह आएंगे हमें? नहीं, कोई याद नहीं करना, अगर इनका क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, सारे वर्ड प्रॉब्लम होंगे, जो मैंने कराया ना वर्ड प्रॉब्लम, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, हर प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम होगा, कोई सिचुएशन होगी जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। ओके सर, हां वर्ड प्रॉब्लम जी। एनी अदर क्वेश्चन? सही, लेक्चर LMS पे अपलोड करेंगे, आपका चैनल जो था पहले वाला उसी तरह का इस चैनल पे अपलोड करेंगे YouTube पे। मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल में बेहतर वही है ना, कौन सा बेहतर है आपके ख्याल में, YouTube बेहतर है? YouTube। चले मैं YouTube के ऊपर ही इस चैनल को ना अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? तो ये मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँ।